हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं मार्बल फ्लोरिंग डिज़ाइन इमरान। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको मैनुअल टाइल कटर मशीन की जानकारी देंगे। हम आपको मैनुअल टाइल कटर मशीन दिखाएंगे। तो अगर आप मशीन ख़रीदना चाहते हैं दोस्तों, तो बहुत ही शानदार मशीन है, आप इसको ख़रीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें, हम आपको पूरी जानकारी मैनुअल टाइल कटर मशीन की देंगे और आपको हम टाइल्स वगैरह कटिंग करके भी दिखाएंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो आप हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, और जब सब्सक्राइब करें दोस्तों तो साथ में घंटे के निशान को भी दबाएँ, ताकि हमारे जो नए वीडियो आएंगे दोस्तों, तो आप उन वीडियो को भी देख पाएंगे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और अपने दोस्तों में आगे शेयर करना। तो चलो, हमारे पास में जो मैनुअल टाइल कटर मशीन है उसकी हम आपको जानकारी देते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमारे पास में ये मैनुअल टाइल कटर मशीन है, जो पूरी 4 फीट की ये मशीन है। इसकी जो लंबाई है वो 4 फीट लंबाई है। और दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इसकी कंपनी बता देता हूँ। ये जो कंपनी है, एक्यूरेट कंपनी की ये मशीन है, और इसका जो मॉडल नंबर है BTC36 इसका मॉडल नंबर है। तो ये बहुत ही शानदार मशीन है। अब दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि मशीन जब आप लेते हैं तो आपको क्या इसके अंदर चेक करना है, कौन सी चीज़ इसके अंदर सही होनी चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों, इसका जो हैंडल होता है, ये जो हमारे पास में मशीन है दोस्तों, इसका जो हैंडल है, अक्सर देखा जाता है कि काफ़ी सारी अलग अलग कंपनी की जो मशीनें आती है उनके अंदर जो हैंडल होता है उसके अंदर यहाँ पे अंदर की तरफ बेरिंग लगे हुए होते हैं। लेकिन ये जो मशीन है दोस्तों, इसके अंदर बुश लगे हुए हैं, तो यहाँ पे बेरिंग नहीं है, इसकी जगह बुश इसके अंदर मशीन के अंदर दिए हुए हैं, यहाँ हैंडल के अंदर। तो दोस्तों, इसका हैंडल है बहुत ही ईजी हैंडल है, मैं आपको दिखाता हूँ कि आप इसको देख सकते हैं। हमने धक्का दिया, ये पीछे की तरफ जा रहा है। अब यहाँ से हम इसको आगे की तरफ देंगे, तो ये जो हैंडल है दोस्तों, बहुत ही इजी हैंडल है। तो इसके अंदर अगर बेरिंग नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, बहुत ही शानदार ये मशीन है। और इसकी जो ब्लेड होती है दोस्तों, इसके ब्लेड के अंदर भी यहाँ पे बेरिंग लगा हुआ होता है, लेकिन इसके अंदर बेरिंग नहीं है, तो ये इसके अंदर कोई शिकायत वाली बात नहीं है, बहुत ही ये मजबूत मशीन है। तो आप इसको जब भी मशीन को ख़रीदें, मैनुअल टाइल कटर मशीन हो, कोई भी कंपनी की हो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप ले सकते हैं। इसकी ब्लेड भी होती है, काफ़ी सारा एवरेज देती है, एवरेज में कोई दिक्कत नहीं आती हमारे। और इसका जो पाइप होता है दोस्तों, इसको पाइप को भी हम चेक करते हैं। तो इसका जो पाइप आ रहा है, ये स्टील का पाइप है और बिल्कुल निगर पाइप है, आप देख सकते हैं। इसको हम यहाँ से मशीन को उठा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि इसका जो पाइप है, ये पूरा मजबूत पाइप है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और दोस्तों, हम आपको इसको इसके अंदर टाइल्स को भी कटिंग करके आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको इससे टाइल कटिंग करके दिखाता हूं। तो हमारे पास में जो ये टाइल्स है, ये विट्रोफाइब टाइल्स है, जो डबल चार्ज वाली टाइल्स है। तो इसके अंदर हम कटिंग करते हैं इसको। दोस्तों, हम तकरीबन 2 इंच की इसमें से पट्टी निकालेंगे और फिर आपको उसमें से 2 करके दिखाएंगे। तकरीबन 1 इंच वाली भी हम आपको पट्टी कटिंग करके दिखाएंगे। दोस्तों, आपको मैं इसकी धार दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सीधी धार है इसकी। इसकी जो धार आ रही है, बिल्कुल सीधी धार आ रही है। और जो हम कटर मशीन और जो ग्राइंडर से हम टाइल्स को कटिंग करते हैं, तो इसका जो नेत्र होता है वो उड़ता है, तो इसके अंदर बिल्कुल भी इसकी कोई शिकायत नहीं आती, बिल्कुल सीधी धार आती है। इसको हम आपको रख के भी दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल सीधी टाइल्स आती है, इसकी जो धार आती है बिल्कुल सीधी धार आती है, इसमें कोई शिकायत नहीं है। अब मैं आपको इसमें से फिर से एक कटिंग करके दिखाता हूँ। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमने इसमें से कटिंग की है, और ये जो टाइल्स को कटिंग करती है दोस्तों, बहुत ही शानदार कटिंग करती है। इसमें जो हम जो कटर मशीन और ग्राइंडर से जो कटिंग करते हैं, तो उसकी जो मिट्टी उड़ती है दोस्तों, उससे हमारी काफ़ी सारी जो बीमारियां होती है वो लगती है। तो अगर मैनुअल टाइल कटर मशीन होगी दोस्तों आपके पास में, तो कोई आपके जो टाइल्स का अगर काम करते हैं और मैनुअल टाइल कटर मशीन ख़रीद रहे हैं, तो आपको कुछ भी इसके अंदर डरने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको ख़रीद सकते हैं। तो ये जो मशीन है दोस्तों, मैं आपको इसकी प्राइस भी बता देता हूँ। ये मैनुअल टाइल कटर मशीन जो एक्यूरेट कंपनी की है, अगर इसको आप मार्केट से ख़रीदेंगे दोस्तों, तो आपको ये 8,000 रुपये में मिलेगी, जो 4 फीट वाली मशीन है। और इस
इसके अलावा अगर आप 2 फीट वाली मशीन खरीदेंगे जिसके अंदर 2 फीट वाली टाइल्स हम कटिंग कर सकते हैं, तो वो आपको 4,000 रुपये में मिलेगी। और इससे भी ज़्यादा जो मशीनें जो आती है दोस्तों, अलग अलग कंपनी की आती है, तो आपको 4,000 रुपये से लगा के आप 80,000 रुपये तक की मशीनें ले सकते हैं। तो अगर आपको मशीन, मैनुअल टाइल कटर मशीन आपको ख़रीदनी है दोस्तों, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों हमारा जो पिछला वाला आपने वीडियो देखा था, मैनुअल टाइल कटर मशीन जो मात्र 10 रुपये में आपको दी जा रही है, तो ये एक्यूरेट कंपनी की तरफ से एक ऑफ़र रखा है आपके लिए। तो एक कॉम्पिटिशन है दोस्तों, तो आप उस मशीन को जीत सकते हैं जो मैंने आपको मैनुअल टाइल कटर मशीन दिखाई जो एक्यूरेट कंपनी की है, तो वो मात्र 10 रुपये में आपको मिल रही है। तो वो किससे कैसे मिल रही है तो उसकी भी मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। उसके अंदर जो डिस्क्रिप्शन है वीडियो के नीचे, तो उसके अंदर आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक फॉर्म मिलेगा, तो आपको वो फॉर्म भरना है। उसके बाद में एक आपके बीच में एक कॉम्पिटिशन है, तो उस कॉम्पिटिशन में अगर आप हिस्सा लेंगे, उस फॉर्म को भरेंगे, तो आपकी वो मशीन हो सकती है। तो ये 1 अप्रैल तक इस फॉर्म खुला है, तो आप कभी भी इसको फॉर्म को भर सकते हैं और 5 अप्रैल को इसका रिजल्ट आएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही जानकारी के साथ और ऐसे ही वीडियो के साथ। अगला जो हम आपके लिए वीडियो लेके आएंगे, उसके अंदर हम आपको बर्फी कटिंग वगैरह भी करके दिखाएंगे, जो मैनुअल टाइल कटर मशीन के अंदर हम जो 3D डिज़ाइन बनाते हैं टाइल्स वगैरह के अंदर, वो भी आपको हम बना के दिखाएंगे। तो चलो आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।